गाइस देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा लक 99 का हो चुका है गाइस। तो फटाफट से लास्ट स्पिन करते हैं, लास्ट सिंगल स्पिन रह गया गाइस। जब देख सकते हो लास्ट स्पिन मैंने कर दिया है और यहाँ पे आपके भाई को मिल चुका है न्यू डायमंड रॉयल लॉर्ड वारिक क्यू बंडल गाइस, जो कि काफी ज्यादा ऑसम सा लग रहा है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने वाला डायमंड रॉयल निकाला कि नहीं गाइस। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप लोग, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग ऐसे अच्छे रहेंगे। तो आ चुके हैं कौन शानदार वीडियो के साथ गई, तो स्वागत करता हूं मैं आपको जनरल एक्सपीरियंस बाइटी पे। तो गई ये जो डायमंड रॉयल है, इसके पिछले वाला डायमंड रॉयल का वीडियो था, तो वो वीडियो मैं किसी रीजन से नहीं डाल पाया था, तो मैंने सोचा कि आज जो नया वाला डायमंड रॉयल मैं निकाल रहा था, तो मैंने सोचा उसके साथ इंक्लूड कर देता हूं। आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट का टाइम है ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, सबसे लास्ट तक वीडियो आप लोग जरूर से देखना। तो सबसे पहले फटाफट से हम लोग चलते हैं गाइस यहां पे 10+1 वाले स्पिन करते हैं। और देख सकते हो गाइस मेरा लक 0 था और देख सकते हो गाइस बस मेरे को 0 लक पे ही गाइस मिल गया बंडल। देख सकते हो मेरे को 100 लक करने की कोई जरूरत नहीं गई ठीक है। देख सकते हो गॉथिक लेडी बंडल जो करके गई ठीक है इसका नाम, तो देख सकते हो काफी ज्यादा ऑसम सा मेरा लक है आज गई ठीक है। तो इस वाली वीडियो को इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है गाइस ठीक है। और इसमें मेरा लक इतना ज्यादा अच्छा होता है गाइस कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ठीक है। तो देख सकते हो गाइस जैसे ही मैंने 10+1 वाला स्पिन किया गाइस ठीक है, मेरे को बंडल भी मिल गया और 9 लक रिमेनिंग भी है गाइस ठीक है। तो मैं फिर से स्पिन करता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ वाउचर्स थे जो कि एक्सपायर हो रहे थे गाइस ठीक है। तो मैंने सोचा सारे वाउचर्स यूज कर देते हैं, एक्सपायर ऐसे भी हो जाएंगे, तो सारे वाउचर्स को मैं यूज कर ले रहा था गाइस ठीक है। और अब आपके भाई के पास देख सकते हो बहुत सारे वाउचर्स पड़े हुए थे गाइस ठीक है, जो कि अभी देख सकते हो 57 वाउचर पड़े हुए हैं गाइस ठीक है। तो मैंने सोचा कि लक इंक्रीज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वाला जो डायमंड रॉयल आएगा तब आराम से निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने सोचा गाइस कि ठीक है लक इंक्रीज कर लेते हैं जितने भी सारे मेरे पास वाउचर्स पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, जो कि एक्सपायर होने वाले थे गाइस इस वाले डायमंड रॉयल के खत्म होने से पहले ठीक है। तो मैंने सोचा कि फटाफट स्पिन कर लेते हैं कुछ, कहीं एक आध मैजिक क्यूब वगैरह भी मिल जाए। तो देख सकते हो गाइस मैं 10+1 वाले स्पिन किया जा रहा था फटाफट से, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। बंडल तो मिल ही चुका है गाइस, उसके बाद क्या ही मिलेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें तो आपके भाई के पास ऑलरेडी ऑन है, जो कि डायमंड रॉयल में जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी इस डायमंड रॉयल का टाइम 28 डेज है गाइस ठीक है, और मेरे पास वाउचर्स जो है 18 दिन में एक्सपायर होने वाले थे ठीक है। तो मैंने सोचा सारे बंडल्स यहाँ पे देख सकते, जैसे कि कुछ अभी 27 वाउचर्स यहाँ पे देख सकते हो जो कि 18 डेज में एक्सपायर होने वाले थे। तो मैंने सोचा फटाफट से स्पिन कर देते हैं, और यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस ठीक है, फिर से मैंने 10+1 वाली स्पिन की और यहाँ पे फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आया, तो मेरे को लगा मैजिक क्यूब मिला, लेकिन गाइस देख सकते हो फिर से गॉथिक टेडी बंडल मिल गया गाइस। फिर से देख सकते हो मेरा लक पूरा खराब हो गया गाइस ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मूड खराब हो गया गाइस ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा लक बार रीसेट हो गया, मेरा 0 पे आ गया गाइस देख सकते हो। और अभी मेरे पास बस 17 वाउचर्स बचे हुए गाइस ठीक है। तो क्या ही बोलूं गाइस, आज लक मेरा अच्छा है कि खराब है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। मेरा तो लक रीसेट दोबारा से हो गया गाइस ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं सिंगल स्पिन कर लेते हैं, 7 वाउचर्स और रिमेनिंग पड़े हैं, तो सिंगल फटाफट से कर देते हैं गाइस स्पिन। और आप लोग बताना कि मेरा लक अच्छा था या बुरा था गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मेरे को तो बुरा ही लग रहा है गाइस ठीक है, क्योंकि अगर मैजिक क्यूब मिलता तो थोड़ा अच्छा भी लगता, या लक बार रीसेट नहीं होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन गाइस मेरा लक बार 0 पे रीसेट हो गया। और अभी देखते तो 15 का लक है गाइस, 15-16 का लक पे आ गए हैं हम लोग ठीक है। और क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को दिल से बुरा लग रहा है, लेकिन आप लोग बताना गाइस कि ये वाला डायमंड रॉयल आप लोगों ने निकाला था कि नहीं गाइस ठीक है। और ये वाली वीडियो आप लोग कैसी लग रही है गाइस ठीक है, और इस वाली वीडियो के बाद जो वीडियो है गाइस आपको कसम से बता रहा हूँ रुला देगा गाइस ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, तो ये वाला डायमंड रॉयल तो मिल चुका है अपने लोगों को गाइस ठीक है, वो भी 2-2 बार मिला है गाइस, क्या ही तो लक है। 0 के लक पे गाइस मिल गया, तो क्या ही बोलूँ गाइस ठीक है। तो आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा क्या लग गया गाइस ठीक है, मेरा लक बहुत ज़्यादा अच्छा था कि खराब था। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला बंडल गाइस देख सकते हो, तो गॉथिक टेडी बंडल इसका नाम है गाइस ठीक है, पिछले डायमंड रॉयल का बंडल है, जो अभी वाला चल रहा है उसके जस्ट पिछले वाले बंडल था। तो देख सकते हो काफ़ी ऑसम सा लग रहा है बंडल, तो अच्छा लगा मेरे को, बस 2-2 बार मिल गया गाइस, ये बुरा लग रहा था। तो गाइस अभी एक नया वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो गाइस देख सकते हो मेरे पास जब गोल्डन हिप हॉप था गाइस, तब की वीडियो है और तब मैंने बनाया था गाइस, मुझे अभी रोना आ रहा है गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। तो भाई इस जो अभी डायमंड रॉयल आया गाइस देख सकते हो, गोल्डन बैनर अवतार गोल्डन हिप हॉप था मेरे पास गाइस, और यहाँ पे नया डायमंड रॉयल में गोल्डन बंडल भी आ गया था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से स्पिन कर लेते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और मैंने वीडियो तब रिकॉर्डिंग ऑन की थी गाइस ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास रह गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए गाइस ठीक है। तो यहाँ पर 10+1 वाले स्पिन में देख सकते हो कि मैंने स्पिन किया, तो मेरा लक बार अभी देख सकते हो 30 हो गया गाइस ठीक है, पिछले बार जितना था उतना ही था गाइस ठीक है। उसके बाद फिर से स्पिन किया मैंने, तो 10+1 वाली देखते हो यहाँ पे क्या मिलता है गाइस ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पे बस एक मैजिक क्यूब मिला था गाइस जो येलो बॉक्स आया था उसमें। और अभी अपना लक बार देख सकते हो 41 है गाइस, और 67 वाउचर्स रिमेनिंग है। तो क्या लगता है गाइस ये बंडल तो मिल ही जाएगा हम लोग को, लेकिन देखते हैं गाइस कि लक बार 100 होने से पहले मिल पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे फिर से किलो बॉक्स आया था गई ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लगता है गई, यहाँ फिर से मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट मिल गया गई ठीक है। तो अपना तो बहुत ही गंदा कट रहा है, फिर से मैजिक क्यूब फ्रैगमेंट, क्या ही बोले गई ठीक है, पूरा मूड खराब कर रहे हैं लोग।
लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, हम लोग सह लेंगे ठीक है। और यहाँ पे फटाफट से मैं 10+1 वाले स्पिन करता हूँ, 63 लक हो गया अपना। तो मैं सोचता हूँ गोल्ड रॉयल में भी 10+1 वाले स्पिन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा लक इंक्रीज जाए अपना। और फटाफट से चलते हैं गाइस ठीक है, यहाँ पे डायमंड रॉयल वाले में लॉर्ड बारबेक्यू बंडल करके गाइस ठीक है, गोल्डन कलर का बंडल, काफी ऑसम सा बंडल लग रहा है। फिर से एक येलो बॉक्स आएगा, ये देखते हैं क्या होता है, क्या लगता है यहाँ पे मिल पाएगा बंडल क्या नहीं। और कांग्रेचुलेशन लिखते हुए आएगा, और यहाँ पे देख सो मैजिक क्यूब मिल चुका है मेरे को, लगा बंडल मिला होगा। जब मेरे को लगता है कि मैजिक क्यूब मिला होगा तब मेरे को लगता है बंडल मिल गया, और बंडल मिलता है तो गाइस लगता है कि मैजिक क्यूब मिला होगा। क्या ही बोलूं गाइस, क्या ही बोलूं, दिल से बुरा लगता है गाइस ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मैजिक क्यूब मिल गया गाइस ठीक है, उसकी खुशी है, लेकिन बंडल नहीं मिला इसका दुख भी हो रहा है गाइस ठीक है। तो देखते हैं बंडल मिल पाता है कि नहीं गाइस ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहे गाइस, देख सकते हो मेरा लक 85 हो चुका है। क्या लगता है गाइस 100 किए हुए बिना मिलेगा कि नहीं गाइस ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से येलो बॉक्स तो आया गाइस, फटाफट इस बार भाई बंडल दे देना, बंडल दे देना। फिर से मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट, यार क्या ही बोलूं यार, गरीना वाले बहुत काट रहे हैं गाइस देख सकते हो। तो मेरा लक हो चुका है 96 हो चुका है गाइस। तो क्या बोलते हो अब, सिंगल सिंगल स्पिन करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हो गाइस, सिंगल सिंगल स्पिन करते हैं। 97 98 देख सकते हो गाइस, 99 तो देख सकते हो गाइस हमारा लक बार हो चुका है 99। और गाइस यहाँ पे फटाफट से स्पिन करते हैं सिंगल सिंगल वाली, तो एक सिंगल स्पिन रह गया गाइस ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से स्पिन करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो आपके भाई को मिल चुका है नया डायमंड रॉयल बारबेक्यू बंडल, लॉर्ड बारबेक्यू बंडल करके इसका नाम है। काफ़ी ज़्यादा ऑसम सा लग रहा है गोल्डन कलर में। अब आके आप लोग बताना कि आप लोगों ने ये वाला डायमंड रॉयल निकाला कि नहीं गाइस ठीक है। और अभी आपके भाई के पास 13 वाउचर्स रिमेनिंग है जो कि परमानेंट वाउचर्स हैं, और नया वाला जो ये बेपन रॉयल है गाइज वो भी आपको उसके इसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको चैनल पे। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास कुछ इनक्यूबेटर के वॉचेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें स्पिन कर लें गाइज, लेकिन यहाँ पे मेरा लक बहुत ही ज़्यादा खराब था गाइज ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला आपके भाई को, लेकिन ये गोल्डन हिप हॉप का बहुत याद आता है गाइज। क्या बोलूँगा यार, कि मेरी आईडी में एक टाइम पे था गाइज ठीक है, आप लोग यकीन करोगे। देख सकते हो मेल सेक्शन में गरीना वालों ने दिया था गाइज, क्यों ले लिया भाई, क्यों ले लिया भाई, क्या ही बोलूँ, बहुत दुख होता है गाइज, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। लेकिन एक दो वीडियो इसके और है गई, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो वो वीडियो भी आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी गई ठीक है। एक दो वीडियो और भी मैंने रिकॉर्ड की थी गई ठीक है, इस वाले ही गोल्डन हिप हॉप के साथ। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो मेरे को मैजिक फ्रेगमेंट्स मिले थे, और मेरे को एक मैजिक क्यूब मिला था गई ठीक है। और बंडल देख सकते हो जो अभी का डायमंड रॉयल का बंडल है वो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर से बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग जरूर से बता देना कि और वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं।